पहले पांडेसरा इलाके में दादा हथियार से हमला का मामला हुआ है, क्या कुछ? आज शाम को 7:30 बजे के आसपास एक बना इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक जो विक्टिम है जितेश, उसको इको गाड़ी में लोग आए थे और उसके ऊपर चाकू और तलवार से हमला किया है और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और शायद 4 के आसपास होंगे, अभी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलेगा कि कितने लोग। अभी वो पता नहीं चला है, वो विक्टिम से पूछने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रीज़न है हमला करने का, कुछ कारण पता चलेगा वो विक्टिम से पूछने के बाद ही पता चलेगा। मेरा नाम दीपक सिंह राजपूत है, मैं जितेश सिंह राजपूत के साथ हमेशा रहता हूँ। उनका काम काज प्रॉपर्टी डीलर का है और हम लोग एक साथ रहते हैं और वहाँ हम लोग आज पूरे दिन अपने मार्केट से बिजनेस से जो भी काम काज वो कर रहे थे, तो हम लोग साथ में ही थे। करीबन 6 बजे भैया मेरे को छोड़े मेरे घर के पास, जो संगम चौकड़ी जिसे बोलते हैं वहाँ पे, और वो आए बोले कि दीपक तू जा, मैं आता हूँ 1 घंटे बाद, शादी में जाना है करके। तो मैं बोला ठीक है भैया, फिर मैं वहीं रहा। फिर मेरे को कुछ देर बाद फ़ोन आया कि जितेश भाई के साथ ऐसा ऐसा हमला हुआ है। तो हम लोग तत्कालिक वहाँ से कुछ सुने नहीं, खाली यही पूछे कहाँ है क्या है, तो हॉस्पिटल का नाम दिया संग्रेज बेसु अल्थान। हम लोग वहाँ गए फटाफट, वहाँ जाने के बाद देखा गया, भैया के साथ मिला गया तो उनके सर पे हाथ फ्रैक्चर है और पैर पे, कमर पे तलवारबाजी, चाकूबाजी और यही सब, मतलब उनको जानलेवा हमला किया गया। घटना कितने बजे बनी? घटना ये बनी है 7 से लेकर 7:30 के बीच में। घटना ऐसा किसने किया, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया नहीं है, शक के आधार पे तो यही है कि वीआर राजपूत करके एक लड़का है, उसके ऊपर शक के आधारित है, क्योंकि वो सबको बोल घूमता फिरता था, बोल बोल के बहुत लोगों से सुनने को मिला था और इसमें छोटे बड़े भी, कि हम लोग इनके ऊपर करेंगे और इस तरह से इनको पटाएंगे, लेकिन भैया नेगेटिव सोचते थे और बोलते थे कि नहीं ठीक है जो होगा देख लेंगे, अभी हम लोग ऐसा किसी के साथ कुछ किए नहीं है तो अपने साथ कुछ ऐसा होगा नहीं। कितने हमलावर आए थे? कुछ 5-6 लोग थे, इको गाड़ी थी और तलवार चाकू सब लेके भर भर के निकल रहे थे। सीसी कैमरा में रिकॉर्ड है, जो यहाँ पे सीसीटीवी मिला है पुलिस प्रशासन को, वो सारी चीज़ें बकायदे रिकॉर्ड है। पहले कोई मगजमारी हुआ था? नहीं, पहले कोई मगजमारी नहीं है उन लोग से, किसी तरीके का मगजमारी नहीं है और हम लोग अमन शांति चैन के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। जब उन पे हमला हुआ तब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो जब उन पे हमला हुआ था यहाँ से वो घर की तरफ जा रहे थे कि शादी में जाना था, फ्रेश होकर हम लोग को शादी में जाना था, वो इसीलिए मेरे को वहाँ पे छोड़ के आए थे कि तू फ्रेश हो जा, तब तक मैं भी आ जाता हूँ ऐसा।